हेलो फ्रेंड, माय सेल्फ अनिल रामटेके। टुडे डिस्कस अबाउट दी एक सिंपल कैलकुलेटर वर्सेस साइंटिफिक कैलकुलेटर। आज हम देखेंगे कि दोनों कैलकुलेटर में दोनों में डिफरेंस क्या है, उनके की के फंक्शन क्या होते हैं, विद हम इसके एग्जांपल के दोनों में सूटेबल कौन सा हो सकता है हमारे लिए, आपको कौन से आप सेक्टर से आप इस्तेमाल करते हैं, आप कहाँ पे काम करते हैं, उसके हिसाब से आपको कौन सा कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है। साथ में अगर स्टूडेंट हो गए तो उनको स्टूडेंट का एक सिंपली आप इसका इस्तेमाल कैसे करोगे, इसके लिए मैं आपको कुछ इसके पूरे डिटेल्स में आपको मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है उसका एक एग्जांपल भी मैं आपको अभी दो यहाँ पे दिखाऊंगा। तो देखते रहिए हमारे वीडियो। अब आप देख पा रहे हैं कि सिंपल सा एक मेरे पास एक एक्चुअली ये मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल को मैंने इसको कन्वर्ट किया है एज अ साइंटिफिक कैलकुलेटर। एक कैलकुलेटर है जो बेसिकली नॉर्मल पीपल यहाँ पे इस्तेमाल कर, जिसे हम पॉकेट कैलकुलेटर भी हम कह सकते हैं। ये दिखने में बड़ा बड़ा है, आप इस पे मत जाइए, लेकिन इसको छोटा कैलकुलेटर होता है, बड़ा कैलकुलेटर वगैरह भी हो सकता है ऐसा इसमें डिस्प्ले। लेकिन आप में बहुत बार देखे होंगे अलग अलग कंपनियों के अलग अलग कैलकुलेटर वगैरह होता है, उनमें सब में की एक समान ही होते हैं, बस उनके जो की रखने की जो सिचुएशन होती है वो अलग अलग प्लेस पे हो सकती है। आपको देखेंगे कुछ कुछ के की जो रहेंगे ये वाला डिस्प्ले 1 2 3 वाले वो कई और रहेंगे, इसके जो फंक्शन वाले हैं वो रहे, मेमोरी यूनिट अलग अलग रहेगा, लेकिन बाकी यूनिट तो पूरा सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता है। उनका जो स्ट्रक्चर है या उनका दिखाने का तरीका है, जो आपको एज ए सुटेबल करेंगे हिसाब से वो आपको सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर और ये हमारा सिंपल कैलकुलेटर। तो हम इसके पहले हम जैसे कि मैं बताया कि आज का जो टॉपिक है कैलकुलेटर वर्सेस साइंटिफिक कैलकुलेटर, और साथ के हमारा इसमें कुछ एग्जांपल के साथ में आपको हमारा जो स्टूडेंट है उनके सिंपली एज अ मैथमेटिक को सॉल्व करने में तो हम जनरली अपना माइंड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कभी बार क्या होता है कि कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल होते हैं उसके लिए हम कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं, जो इसके लिए लेना भी चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी एग्जाम्पल कभी कभी आते हैं। तो फ्रेंड, एक मैं आपको एक सामने एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ अभी, वो आप कैसे एक तो ये चुटकी में बता के आपको माइंड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको तकलीफ क्या होती है वो ये इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल पूछा गया है आपको 2 + 2 / 2, ओके ये सिंपल सा एग्जाम्पल है आपके पास, तो अभी आपका इसका वैल्यू निकालना है। ओके, आपको पता है कि ये जो मैं एग्जाम्पल बताया, अरे क्या है इसके कैलकुलेटर क्या जरूरत है, आप तो इसे अपने माइंड में इस्तेमाल करते हैं ऐसे। ओके, आप तो ये सभी कर सकते हैं, बट बाकी काफी लोगों में तकलीफ हुई होती है। अभी हम जान लेते हैं कि हमारा कैलकुलेटर और एक हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर के ये दो कैलकुलेटर। तो सबसे पहले मैं मैनुअली कर सकता हूँ ये, लेकिन मैं आपको बाय यूजिंग कैलकुलेटर से मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 2 + 2 / 2 = ये हमें पता नहीं है, इसी वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो मैं 2 + 2 / 2 इसकी वैल्यू सिंपल कैलकुलेटर से निकाल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी। तो मैं यहाँ पे अभी डिस्प्ले देखिए आप 0 दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले 2 प्रेस कर रहा हूँ। ओके, प्लस प्लस का साइन अभी मैं ये दबाया, उसके बाद मैं और 2 + 2, ओके देन अभी मैं दबा रहा हूँ डिवाइड का, ओके फिर प्रेस करूँगा फिर 2। ठीक है, मैंने यू यही प्रेस किया मैंने यहाँ पे 2 + 2 / 2, ओके देन मैं अभी इज इक्वल टू साइन दे देता हूँ कितना हुआ, तो इज इक्वल टू साइन देने के बाद आंसर आया आपका 2। ओके, तो ये आपका हो गया, आपके आंसर 2 हो गया। ये है हमारा सिंपल कैलकुलेटर। अभी मैं यही एग्जांपल मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर पे अभी लेता हूं। अभी आप देख रहे हैं सेंटर साइंटिफिक कैलकुलेटर देख पा रहे हैं, तो अभी इस पे मैं वही एग्जांपल दोबारा मैं यहां पे या 2 + 2 / 2 ये वाला ऑपरेशन में यहाँ पे भी क्लिक कर रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पे 2 आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पे, +2 दिख रहा है, देन अभी मैं डिवाइड का सिंबल देता हूँ, डिवाइड यहाँ तक हो गया, देन 2
2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, ऑपरेशन पूरा हो। अभी ये मैं इक्वल का साइन दे दे यहाँ पे, इक्वल आंसर कितना है अभी यहाँ पे 3 है डिफरेंस। अभी देखिए दोनों में डिफरेंस, हम जब सिंपल कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे थे तो उसको उसका आंसर आ रहा था 2 आ रहा था, और जब हम साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 3 है। आप यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आप माइंड में सबसे पहले माइंड में कीजिए, उसके बाद आप सिंपल कैलकुलेटर में कीजिए, फिर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर का सहारा लीजिए, या हो सकता है मोबाइल में आप जब करोगे तो आपको आंसर 3 आ जाएगा। क्योंकि अभी डिफरेंस में आपको ये चीज यहाँ पे भी ये एक्सप्लेन इसलिए करूंगा कि सबसे पहला एक कैलकुलेटर हमारा जो इस्तेमाल होता था तो वो विदाउट बॉड मास वाला था, इसलिए ओनली ऑपरेशन यहाँ पे होते थे, उसमें कोई एक लॉजिक नहीं रहता था। वो क्या करता था, सबसे पहले जो वैल्यू पुट करते थे उनका वो कैलकुलेशन करते करते ऐसे आगे बढ़ते थे लाइक दिस। इसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन नहीं, बस आपने ऑपरेशन किए वो चलते भैया चलते। बट साइंटिफिक कैलकुलेटर में जितना भी लॉजिकली यहाँ पे सॉल्व होता है, जैसे कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं ये बॉड मास का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, टर्म कंडीशन लगती है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी सॉल्व करने के लिए आप इसी जो सिचुएशन से आपको सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं रहता, यहाँ पे एक ऑपरेशन जो स्टार्ट होता है वो चलते बैठता है, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्व करने के लिए जो विधि होती है, जो ऑपरेशन होता है, इस माध्यम से होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अभी मैं आपको थोड़ा एक एक्सप्लेन ये वाला एग्जाम्पल मैं बाय यूजिंग बॉड मास से आपको मैं नीचे आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल मैं मैनुअली बता रहा हूँ आपको, 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसको कोई भी एग्जाम्पल को अगर आपका मैथमेटिक कमजोर है तो मैं बता रहा हूँ ये कि कोई भी एग्जाम्पल को हम बॉड मास से इस्तेमाल कीजिए। अब मैं इसके इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लड़कों बोलते हैं इसमें क्या लॉजिकल है, वो क्या करते कोई भी एग्जाम्पल बता दो लेफ्ट टू राइट करते या राइट टू लेफ्ट करते, उनमें ये बहुत मिस्टेक होती है, और इनके वजह से उनका क्या होता है मैथमेटिक थोड़ा पुअर हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो बस ये मिस्टेक मत कर दीजिए। जब भी हम कोई एक डिफिकल्टी वाला काम करते हैं तो ये हमने यार किसी एक भगवान को या रब को किसी को भी याद करते हैं, सेम वैसे ही आपको जब भी मैथमेटिक्स सॉल्व करना रहा, मैं तो ऐसे नहीं बोलता कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो, लेकिन आपको जब भी मैथमेटिक्स सॉल्व करना रहा तो मैं आई रिकमेंडेड यू कि कभी भी आप एक को चीज को याद रखो, जो भी है, जैसे कि आप भगवान को याद करते हो कोई भी काम करने से, वैसे गणित भी आप या मैथ का इस्तेमाल करते होंगे तो उस वक्त आप बॉड मास को जरूर याद कीजिए, क्योंकि ये बॉड मास के रूल एंड रेगुलेशन से आप ये को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बॉड मास को आपको इसलिए आपके पहले पढ़े होंगे, बट अभी मैं बता रहा हूँ इसको एग्जाम्पल में प्रूव कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 हो, तो बॉड मास क्या करता है, सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट तो नहीं है बट ओ यानी ऑफ, ऑफ भी नहीं है यहाँ पे, डी यानी डिवीजन, तो वो क्या करता है पहले डिवीजन कर लेता है, तो 2 + 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाता है 1, और ये जैसे के वैसे हो जाता है ओके, और 2 + 1 या तो 3, ये हो गया हमारा आंसर हो जाता है। ये मैंने भी मैनुअली निकाला था बाय यूजिंग मैनुअली ओके, बट हमारे कैलकुलेटर क्या बोलता है, सिंपल कैलकुलेटर आंसर 2 होता है, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलता है 3 होता है। तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हो भी थोड़ा ध्यान से करिए कि आपको कौन का कैलकुलेटर कर रहा है इस्तेमाल कर रहे हो और आंसर क्या आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो एक आता हमारा एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए कि सिंपल सा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर और हमारे सिंपल कैलकुलेटर में क्या डिफरेंस होता है, और उसको आप मैनुअली कैसे चेक कर दिया जाए, और बेसिक ऑपरेशन आप सभी को आता है मुझे पता है, बस मैं उसके आपको फंक्शन कैसे काम करते हैं मैं आपको आज के वीडियो में यही एक्सप्लेन करता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे में वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, और मेरे नए व्यूवर हुए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करके नए मेरे वीडियो को अपडेट लेते रहिए। जय हिंद।